कविता राजेश राय सोनी। मैं गवर्नमेंट स्कूल की क्या बात करूं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में, हमारी महावीर जयंती, मैं जैन हूँ। मैं जब महावीर गवर्नमेंट स्कूल में गई तो बैठने के लिए बच्चों के दर ही नहीं, मिट्टी में पत्थर में बच्चे बैठे हैं, हाथ में खाना खा रहे हैं, खाने को प्लेट नहीं, 500 प्लेट हम लोग डोनेट करके आए। ऐसे बच्चे गरीब बेचारे काम वाले बच्चे, माँ काम पे जाते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, पाठशाला में बुक नहीं, बैग नहीं, प्लेट नहीं, दरी नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, डस्टर नहीं, चौक नहीं, ऐसा क्या सामान नहीं है जो गवर्नमेंट में कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तक कि कोतापड़ गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे मैं जाके खुद देखी हूँ, टॉयलेट नहीं बना हुआ गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। अभी मैंने उस नया प्रिंसिपल आया उनसे रिक्वेस्ट करके एक इतना छोटा सा टॉयलेट बनवाया ताकि बच्चों को फैसिलिटी मिल सके। हमारे बाजू में जो ग्राउंड है वहाँ गर्ल्स आके टॉयलेट करती है, हमें बड़ी शर्मिंदा उठानी पड़ती है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही, सो रही है क्या, बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उनको बुक मिले, बैग मिले, प्लेट मिले, खाने को राइस मिले, और उनका फीस भी, काफ़ी बच्चे हैं जो भर नहीं पाते हैं, फीस के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और बैठने के लिए दरी दी है, उनको बैग दिया जाए, खाली एक बुक और पेन भेजते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पूरा भेजते होंगे मगर बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहे, फिर बच्चे क्या करना, उनके घर में भी पैसे नहीं है, स्कूल में भी फैसिलिटी, कहाँ जाना बच्चे। आप हमारी ये अपील गवर्नमेंट तक पहुँचाइए और उनको पूरी फैसिलिटी दीजिए। मेरा नाम नाग परिमला है, मैं तेलंगाना राष्ट्र महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। हम यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स के फैसिलिटीज़ के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे, कल अगर देखा जाएगा तो कल इब्राहिमपट्टनम के एक पाठशाला के बच्चे बाहर आके धरना कर रहे थे, क्योंकि उनको उनके स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं था और बाथरूम टॉयलेट फैसिलिटीज ठीक नहीं थे, बाथरूम में भी पानी नहीं था। पानी तो बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी आदमी के लिए, और राष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल सो रही है, ये फैसिलिटीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं देख रही है। जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पे सिर्फ वो नए नए स्कीम बना के वहाँ के जीतने में ही लगी है, मगर स्टेट गवर्नमेंट जो पूरी स्टेट में जो स्कूल्स हैं उसके फैसिलिटीज़ देखने में बिल्कुल फेलियर है। हमारा डिमांड ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे पाठशाला को अब उनके जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जाके विजिट करें, देखें कि वहाँ के क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और वो इमीडिएटली उसका एक रिपोर्ट बना के वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के दिशा में काम करें और इमीडिएटली वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। वो तो खाली है ना हिंदुओं के विरोधी है, और ऊपर से अब तो पाठशाला में बच्चों को शिक्षा भी अच्छी नहीं मिल रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सभी लोग आगे आ रहे हैं। जिस तरह से बच्चों को, बच्चे खुद धरना दे रहे हैं कि उनको खाना पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, बाथरूम और जाने की क्लास में स्वच्छता की जो परेशानियां बच्चे उठा रहे हैं, उसके लिए पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के सभी लोग अभी आगे आए हैं। इसके लिए उनकी सरकार की जवाबदारी है कि वो जवाब दें और बच्चों को तत्कालीन सुविधा दें। सुविधा के लिए वो बाध्य हैं क्योंकि उनके अभी राज्य में सरकार है, KCR का काम है कि वो अच्छे से काम करें और ना स्कूल के बच्चों को और सभी शिक्षाओं को अच्छे से पूर्ति करें।